हेलो गाइस, मैं हूँ चांदनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि बॉलीवुड में इन दिनों बॉलीवुड के लव बर्ड्स कहे जाने वाले दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह यानी कि दीपवीर की शादी का जश्न शुरू हो चुका है और आज है उनकी संगीत सेरेमनी। और कुछ टाइम से जब से इनकी शादी पक्की हुई है, जब से इनकी शादी की खबरें सोशल मीडिया और मीडिया में वायरल हुई हैं, तब से लेकर आज तक तमाम खबरें इनकी शादी से जुड़ी हुई सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और साथ ही साथ फैंस इन खबरों को बड़े ही चाव से देख रहे हैं। और देखे भी क्यों ना, आखिर उनका फेवरेट कपल जो है और बॉलीवुड के लिए ये खास कपल भी माना जाता है। और दोनों की लव स्टोरी तो क्या ही कहने, दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई थी फिल्म रामलीला से जो कि संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी थी। और तब से लेके आज तक दीपिका और रणवीर की खूबसूरत केमिस्ट्री जहां ऑन स्क्रीन देखने को मिलती है, तो ऑफ स्क्रीन भी फैंस इनकी नोकझोंक देखते ही हैं। और अगर इनकी शादी से जुड़ी खबरों की बात करें तो कई सारी खबरें ऐसी हैं जो इन दिनों लाइमलाइट में है और सुर्खियों का विषय बनी हुई हैं। तो चलिए डालते हैं उन तमाम खबरों पर नजर जो कि इन दिनों सुर्खियों में बनी है और इनकी शादी से जुड़ी हुई हैं। इन दिनों बॉलीवुड में शादी का माहौल देखने को मिल रहा है और साथ ही बॉलीवुड के फेमस कपल दीपिका रणवीर की शादी से जुड़ी तमाम खबरें इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों का विषय बनी हुई हैं। और हाल ही में इन दोनों की शादी के बाद रिसेप्शन कार्ड की फोटो सामने आई है। बता दें कि ग्रैंड वेडिंग के बाद मुंबई और बेंगलुरु में रिसेप्शन का आयोजन किया जाएगा और दीपवीर के मुंबई रिसेप्शन का इन्विटेशन कार्ड सामने आया है। कार्ड के अकॉर्डिंग मुंबई रिसेप्शन 28 नवंबर यानी कि बुधवार को होटल ग्रैंड हयात में होगा जो कि रात 8 बजे से शुरू होगा और ये रिसेप्शन पार्टी रणवीर सिंह के मम्मी पापा की तरफ से रखी गई है। वहीं 21 नवंबर को दीपिका के होम टाउन बेंगलुरु में रिसेप्शन पार्टी होगी और इसे दीपिका के मम्मी पापा होस्ट करेंगे। बता दें कि इन दिनों इनके वेडिंग प्लेस की फोटोज भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई हैं जहाँ इनकी शादी को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इन दिनों दीपवीर यानी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और एक्टर रणवीर सिंह की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से हो चुकी है, जहां कुछ दिन पहले ही इन दोनों को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया जहां दीपवीर इटली के लिए रवाना हुए अपने शादी के लिए। तो वही बता दें कि अब विदेश यानी इटली से सामने आई है इनकी शादी की तस्वीरें जिसमें नजर आया है कि इनकी शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। बता दें कि जैसे ही इनकी शादी की तस्वीरें सामने आई तभी से फैंस के एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ चुकी। फाइनली वो पल आ गया है जब दीपिका और रणवीर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। अब इनको नहीं है किसी से अपना रिश्ता छुपाने की जरूरत क्योंकि 7 फेरों के बाद ये जोड़ा हमेशा के लिए मौजूद है कि 7 जन्मों तक एक दूसरे का हो जा रहा है। वह इनकी शादी की खबरें खूब जोरों शोरों पर है जिसके चलते इनकी तैयारियों की तस्वीरें सामने आई है। बॉलीवुड के लव बर्ड दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह इन दिनों अपनी शादी के दिनों को एंजॉय कर रहे हैं और उनकी शादी की पूरी तरह तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बता दें आपको कि उनकी संगीत सेरेमनी यानी 13 नवंबर को उनकी संगीत सेरेमनी है और साथ ही साथ उनकी संगीत सेरेमनी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। और खबरों से पता चला है कि शादी की तैयारियां भी जोरों पर है और परिवार के अलावा इस संगीत सेरेमनी में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के कुछ करीबी दोस्त भी शिरकत करने वाले हैं। वेल, आपको बता दें कि रणवीर सिंह और दीपिका एक दूसरे को 6 साल से डेट कर रहे थे और फाइनली इन लोगों ने शादी का फैसला लिया है और आज इनकी संगीत सेरेमनी है। लेकिन ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इनकी इस खास संगीत सेरेमनी में बॉलीवुड के कौन कौन से सितारे पहुंचते हैं। और अगर आपको दीपिका और रणवीर की ये खास जोड़ी काफी पसंद है तो अपने कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं कि इस संगीत सेरेमनी में और क्या कुछ खास होने वाला है। बॉलीवुड के लव बर्ड दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी की खबरें इन दिनों जोरों पर हैं और आज उनकी संगीत सेरेमनी है जिसमें कई बॉलीवुड सितारे की पहुंचने की बात सामने आ रही है और साथ ही साथ दीपिका और रणवीर के कुछ करीबी दोस्त और रिश्तेदार भी इस सेरेमनी में शिरकत करने वाले हैं। वहीं अगर खबरों की माने तो बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान भी इनकी शादी में शामिल हो सकते हैं और साथ ही साथ संजय लीला भंसाली और फराह खान भी इनकी शादी के लिए इटली पहुंच सकते हैं। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी की रस्में सिंधी और साउथ इंडियन तरीके से होंगी और इसके लिए खासा तैयारियां की जा चुकी हैं और इटली में पारंपरिक रीति रिवाजों से इन दोनों की शादी
काफी धूमधाम से की जाएगी और साथ ही साथ खबरें ये भी आ रही हैं कि बेंगलुरु और मुंबई में इन दोनों का शानदार रिसेप्शन भी रखा जाएगा। बता दें कि दीप ये 6 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और इन दोनों ने अब शादी का फैसला लिया है, जिनकी तैयारियाँ फिलहाल जोरों पर है। इन दिनों बॉलीवुड के लव बर्ड्स कहे जाने वाले दीप वीर की शादी से जुड़ी तमाम खबरें सोशल मीडिया पर चर्चे का विषय बनी हुई हैं और एक के बाद एक खबर इस खास शादी से जुड़ी हुई सुनने को मिल रही है। और हाल ही में इन दोनों की वेडिंग प्लेस की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहाँ शादी की जोरदार तैयारियां हो रही हैं। बता दें कि इटली के लेक कोमो में इन दोनों की शादी होनी है, जहां इनकी शादी के लिए वेन्यू को काफ़ी खूबसूरती से सजाया जा रहा है। वहीं कुछ टाइम पहले इस कपल की शादी में खाने की लिस्ट को लेकर कुछ खबरें सामने आई थी, जिसमें दोनों दिन यानी कि 14 नवंबर और 15 नवंबर को अलग अलग डिशेज मेहमानों को परोसी जाएंगी। बता दें कि जहाँ 14 तारीख को साउथ इंडियन तरीके से इनकी शादी होगी तो वहीं साउथ इंडियन डिशेस मेहमानों को परोसी जाएंगी, तो वहीं 15 को जब नॉर्थ इंडियन रीति रिवाजों से इन दोनों की शादी होगी तो पंजाबी खाना मेहमानों के सामने पेश किया जाएगा। वेल, अब ये खबरें कितनी सच हैं ये तो खुद रणवीर और दीपिका ही जाने, लेकिन आपको इनके वेडिंग प्लेस की ये खास तस्वीर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इन दिनों बॉलीवुड की सबसे खास जोड़ियों में से एक गिने जाने वाले एक्टर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपनी शादी को लेकर काफ़ी लाइमलाइट में हैं और इन दिनों दोनों की शादी से जुड़ी कई अपडेट्स मीडिया की सुर्खियों का विषय बने हुए हैं। और अगर बात करें दीपिका के ब्राइडल लुक की तो बता दें कि हम आपके लिए लेकर आए हैं दीपिका के उन कुछ खास ब्राइडल लुक्स की खास तस्वीरें, जिसे देखकर कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि दीपिका किस तरह ब्राइडल लुक में कैसी नज़र आएंगी। बता दें कि दीपिका किस तरह की ज्वेलरी या शादी में ड्रेस पहनने वाली हैं ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वो सब्यसाची का डिज़ाइन किया हुआ लहंगा पहनेंगी। लेकिन इन फोटोज़ के जरिए आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका ब्राइडल लुक कैसा नज़र आने वाला है। वहीं इनकी शादी से जुड़ी खबरों से पता चला है कि दोनों दो रीति रिवाजों से शादी करेंगे। एक 14 नवंबर को होगी, जिसमें साउथ इंडियन रीति रिवाज फॉलो किए जाएंगे, तो वहीं दूसरा सिंधी रीति रिवाजों से 15 नवंबर को पूरा किया जाएगा। वेल आप दीपिका को किस ब्राइडल लुक में देखना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इन दिनों बॉलीवुड के लव बर्ड कहे जाने वाले रणवीर दीपिका की शादी खासा चर्चे में है और आए दिन उनकी शादी से जुड़ी तमाम खबरें सोशल मीडिया पर चर्चे का विषय बनी हुई है और एक के बाद एक खबर इस शादी से जुड़ी सुनने को मिल रही है। और हाल ही में इन दोनों की शादी में बनने वाले खाने से जुड़ी एक खास खबर आ रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन दोनों ही रीति रिवाजों से शादी करने वाले हैं। बता दें कि खबरों से पता चला है कि दोनों शादियां अलग अलग तारीख को होंगी, जिस वजह से दोनों दिन अलग अलग मेन्यू रखा गया है। और कहा यह जा रहा है कि जिस दिन साउथ इंडियन के मुताबिक शादी होगी उस दिन डोसा और राइस जैसी डिशेज मेन्यू में रखी जाएंगी, तो वहीं जिस दिन नॉर्थ इंडियन के मुताबिक शादी होगी उस दिन मेहमानों को पंजाबी डिशेज परोसी जाएंगी। वेल, अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो दीपवीर ही जाने। इन दिनों दीपिका रणवीर की शादी की चर्चाएं जोरों पर है और हाल ही में इन दोनों की शादी शुदा जिंदगी को लेकर अब भविष्यवाणी भी की जा चुकी है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, जहाँ इनका वेडिंग कार्ड, वेडिंग प्लेस और रिसेप्शन कार्ड ने खूब सुर्खियां बटोरी, तो वहीं हाल ही में इनकी मैरिड लाइफ को लेकर भविष्यवाणी सामने आई है। ऐसा कहा जा रहा है कि भविष्यवाणी के अनुसार टैरो कार्ड्स के रिजल्ट बताते हैं कि दीपिका की लाइफ में जो भी इंसान होगा वो दीपिका का बहुत ख्याल रखेगा और वो दीपिका को इतना प्यार देगा कि वो संभाल नहीं पाएंगी। और अगर सच में दोनों की लाइफ को देखा जाए तो दीपिका की लाइफ में कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। बता दें कि रणवीर दीपिका के साथ 6 साल से रिलेशनशिप में है और दोनों की खूबसूरत बॉन्डिंग हमेशा ही देखने को मिलती है और साथ ही साथ रणवीर हमेशा दीपिका को प्यार जताते नजर आते हैं, वो भी बिना किसी जगह के और बिना किसी टाइम की परवाह किए हुए। वेल, आपका क्या कहना है इस भविष्यवाणी के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।
इन दिनों दीपिका रणवीर की शादी की चर्चाएं जोरों पर हैं और साथ ही दोनों की शादी से जुड़ी तमाम खबरें सोशल मीडिया पर सुर्खियों का विषय बनी हुई है। और हाल ही में इन दोनों के रिसेप्शन कार्ड सामने आया, तो वहीं इनके रिसेप्शन में मेहमानों के लिए रखी गई है एक बहुत बड़ी शर्त। बता दें कि मेहमानों से रिक्वेस्ट की गई है कि अगर वो इन दोनों के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आना चाहते हैं तो वो एनजीओ के लिए डोनेशन लेकर आएं। बता दें कि इस एनजीओ का नाम द लिव लव लाइफ फाउंडेशन बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि दीपिका इस फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं। वहीं बता दें कि मुंबई रिसेप्शन 28 नवंबर यानी कि बुधवार को होटल ग्रैंड हयात में होगा, तो वहीं 21 नवंबर को दीपिका के होम टाउन में बेंगलुरु में रिसेप्शन पार्टी होगी और इसे दीपिका के मम्मी पापा होस्ट करेंगे। वेल, अब ये शर्त उनके मेहमान पूरी कर पाते हैं या नहीं, ये तो मेहमान और दीपवीर ही जाने। तो दोस्तों, देखा जिस तरह से आपने, खाने से लेकर दीपिका के ड्रेस डिजाइनर तक, उनके स्टाइलिश तक और भी ना जाने तमाम खबरें इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों का विषय बनी है, जिसको लेकर हमने ये खास प्रोग्राम किया और आपको ये खास दीपवीर की शादी का स्पेशल वेडिंग स्पेशल प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।